देखो जी, सामाजिक जो संगठन होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं? जो पानी की बाल्टी होती है ना, पानी की बाल्टी में मैं रही मारू, इस पानी में से बाल्टी में से कुछ निकलेगा? डाटा कैसे मिलेगा? निकलेगा जी, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो अभी तक राजपूत समाज क्या कर रहा है? पानी की बाल्टी में रही मारने में लगा हुआ है, और सारा समाज सामने खड़ा है पानी की बाल्टी के, सोच रहा है इसमें से नौकरियां निकलेंगी, योजनाएं निकलेंगी, कुछ निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। और राजनीतिक दल दूध की बाल्टी में रही मारता है, और जब दूध की बाल्टी में रही मारोगे, हो सकता है मक्खन खाने को आपको ना मिले, लेकिन जो इस बाल्टी में आखिरी चीज होगी, छाछ, लस्सी, मट्ठा जिसको बोलते हो, वो तो मिलेगी। लेकिन मिलेगी तो इसी बाल्टी में से जिसके सामने खड़े हो। तो 75 साल से आप खड़े हो पानी की बाल्टी के सामने, और हमारे जाट भाई RLD बनाकर खड़े हैं दूध की बाल्टी के सामने। हमारे जो SC भाई हैं, वो बहुजन समाज पार्टी बना के खड़े हैं दूध की बाल्टी के सामने। हमारे यादव भाई वो खड़े हैं दूध की बाल्टी के आगे। तो कभी उनको छाछ मिलता है, जब सत्ता में आते हैं तो मक्खन मिलता है। तो इसीलिए हमने भी क्षत्रिय महासभा की जगह राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बनाई, और समाज से ये प्रार्थना करी कि भाई पानी की बाल्टी के सामने खड़े होके कुछ नहीं मिलेगा, दूध की बाल्टी के सामने आओ। तो इस बार दूध की बाल्टी के सामने आओ, अपनी गिनती कराओ।